हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, यूपी पुलिस का पेपर जो आज 27 जनवरी को फर्स्ट मीटिंग में हुआ है, उसी का पूरा सोल्यूशन लेकर हम इस वीडियो में हाजिर हैं। इसी आशा के साथ यह वीडियो आपको अधिक पसंद आएगी, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे जो है लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप जो है वीडियो की भावनाओं में बह जाएंगे और सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे, तो अगली वीडियो जो हमारी होगी वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट क्वेश्चन नंबर एक से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना क्षेत्रीय बैंक है? तो यहाँ पर आपका जो होगा वो आंसर जो होगा वो प्रथम होगा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे पुराना बैंक था भारत का। क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई थी, तो इसमें आपका सेकेंड आंसर जो है फोर्थ आंसर जो आपका सही होगा, डी, सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो है कल्पना की गई थी? तो इसमें जो 1944 में कल्पना की गई थी वो आपका था विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, तो यहाँ पर पूछा गया था, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो ट्रेन 18 को पूछा गया था कि किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा चेन्नई द्वारा वह विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच में पूछा गया था, नवंबर 2018 में भारत में कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर पर दो गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका इसराइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छः में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है, तो यहाँ पर पूछा गया था, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सात में पूछा गया था, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई? तो इसमें आपका जो है वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी गई थी समय से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ में पूछा गया था, महाधवनी के शीर्ष पर शुरू होती है, तो महाधवनी शीर्ष जो होती है वो आपका होगा, दोस्तों इसका भी आंसर जो है हमारे पास नहीं है, आपके पास हो तो इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नौ में आपसे पूछा गया था, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को पतली परत के साथ आवरण करना है, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका सेकेंड होगा, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, C60 का एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, तो इसमें अब जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा सी, 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया था, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% तक कार्बन होता है कौन सा होता है? तो इसमें आपका डी आंसर होगा, एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, को छोड़कर निम्नलिखित में सघन बहुलक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है वो आपका होगा इसका आंसर होगा आपका पॉलिएस्टर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में एक कार्यालय बनाया गया है जहां के पूर्व छात्र खोसला, इसमें जो है आपका आंसर होगा वो होगा आपका न्यूयॉर्क, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती द्वारा प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थी को दौड़ने की जरूरत होती है, तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, 15 में पूछा गया था, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसमें आपका क्या होगा, आपका होगा सी ऑप्शन, राम नाईक, जो वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के रूप में भी जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो आपका मुरादाबाद है उसे पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, 17 में पूछा गया था, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते को हराया था? तो दोस्तों इसमें जो है आपको आंसर बताना है, यहाँ पर अभी इसका आंसर नहीं मिला, हम पूरी वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसमें आपको आंसर ही बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है, तो ये आपका क्या है, कांच, क्योंकि फिरोजाबाद कांच के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर कांच की चूड़ियों, इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया था, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो आपका लखनऊ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि राजधानी थी? तो इसमें आपका जो होगा वो प्रथम ही आंसर होगा हस्तनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 को देखते हैं, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो इसमें आपका जो आंसर है वो आपका होगा सेकंड, अमर्त्य सेन ने,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, अनब्रेकेबल। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय पुरस्कार जीता है? तो इसमें आपका हिंदी मीडियम जो थी उसने जो है 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार नोर्डहार्स और पॉल एम रोमर को दिया गया था, ये दोनों निवासी हैं, तो इसका सही आंसर आपका होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान, खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी का कार्य किया जाता है, तो ये आपका इसमें डी आंसर आपका होगा, फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, यहाँ पर 26 में पूछा गया था, चित्रकोट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकोट जलप्रपात तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, वेनेजुएला की राजधानी यहाँ पर आपसे पूछी गई थी, तो वेनेजुएला की राजधानी जो होगी वो आपकी होगी काराकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो भारत में सबसे ज़्यादा भंडार जो है आपका थोरियम का है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं, यहाँ पर पूछा गया था, तो इसका नाम जो होगा वो आपका होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यहाँ पर आपका सी होगा, नांदेड़। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, ज्ञानी जैल सिंह जो है यहाँ के वो बने। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, 32 में पूछा गया था, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को आगे बढ़ाया? तो इसमें आपका जो होगा वो सी होगा, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 33, मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 34, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो देखिए इन्होंने जो है वो भारत का राष्ट्रगान लिखा है और दूसरा बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, 35 में पूछा गया था, वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो वर्गीज कुरियन जो थे वो इंदिरा गांधी द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया था, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भागों में, वर्तमान में संविधान के कितने भाग हैं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 25 भाग हैं, क्योंकि यहाँ पर 22 ऑप्शंस नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर जो आप जो हैं यहाँ पर 5 का कै और 5 का इस तरीके से लगाकर जो है कै कह गए, तो यहाँ पर आपके जो है 25 भाग बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया था, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था? तो शालीमार बाग का निर्माण जो किया था वो कश्मीर में किया था, तो इसका आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह, देखिए यहाँ तो यहाँ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे पास पूरा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ से जो है आप आंसर देख सकते हैं, हमें पूरा कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं मैथ के, और मैथ की वीडियो जो है आपको जल्दी ही इसी क्रम में बिल्कुल मिलेगी, यहाँ से ही आप टिक करके जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, धन्यवाद।